नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे भृंगराज के फ़ायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक जड़ी बूटी है जो बहुत ही सारे फ़ायदे करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि भृंगराज है क्या। भृंगराज एक बेहद लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों। भृंगराज को क्या अंग्रेजी में फॉल्स डेसी के नाम से भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, से ज़्यादा करके आपके हेयर फॉल, आपकी हेयर ग्रोथ या आपकी बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल में उलझने हैं या दो मुहे बाल हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपके लिए ये भृंगराज के फ़ायदे बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आपका बाल काला करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ये एक मेहंदी की तरह इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हेयर डाई की तरह। तो आइए आज हम जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। आज हम इसके बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। भृंगराज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये स्कैल्प में खाज या इसके बीच को जलन को शांत करता है। भृंगराज में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये स्कैल्प में बैक्टीरियल और फंगल को रोकने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, भृंगराज में एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह बालों को हेल्थी ग्रोथ में मदद करता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। भृंगराज के आर्क से बालों को तेज ग्रोथ में मदद मिलती है दोस्तों। फ्रेंड्स, भृंगराज का उपयोग हेयर टॉनिक के तौर पर भी किया जाता है। भृंगराज बालों को लंबा, काला, मुलायम और घना बनाए रखने में मदद करता है। यह बालों को लंबे समय तक एनाजेन फ्रिज में बनाए रखने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अगर भृंगराज का तेल नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो गंजे सर पे फिर से बाल आ सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बढ़ती है। यह बालों को झड़ने से रोकता है। यह बालों को हेल्थ ग्रोथ में मदद करता है। यह बालों के जड़ों को सक्रिय करता है। इससे बालों को हेल्दी ग्रोथ होती है। ये बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। फ्रेंड्स, ये दो मुहे बालों से छुटकारा दिलाता है और ये आपके बालों को चमकदार बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग हेयर प्रॉब्लम से परेशान हैं या हेयर से कोई भी जुड़ी परेशानी है, तो उन्हें ये भृंगराज का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये भृंगराज का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। फिर मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों।